नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संजय सिंह, क्या संजय सिंह को राहत मिल पाएगी? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 5 महीनों से दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में यहां पर तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह लगातार दावा कर रहे हैं कि वे बेकसूर हैं, वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। लेकिन फिर भी ईडी बार बार संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करती हुई नजर आ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ईडी पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। ईडी ने उनके घर छापेमारी और उन्हें गिरफ्तार करने से पहले एक भी समन जारी नहीं किया। क्या वाकई में संजय सिंह की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है? क्या वाकई में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग अब केंद्र में बैठी भाजपा करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं यहां पर आम आदमी पार्टी की दिग्गज नेता और साथ ही यहां पर मौजूदा शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह मालीना का ये बयान जो उन्होंने यहां पर दिल्ली से कथित शराब घोटाले मामले को लेकर दिया है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं, मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को दो और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों, तो देखा अपने दर्शकों और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में यहाँ पर ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। जानकारी दे दे कि कल लंबी सुनवाई के बाद अभी इस मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया नहीं है। 2 अप्रैल को एक बार फिर से संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और उस दौरान क्या संजय सिंह के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा? वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के आधार पर क्या अब सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को जमानत देता हुआ नजर आएगा? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईडी की खामोशी अब संजय सिंह को जमानत दिला पाएगी या नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।